छतरपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। दरअसल 10 जनवरी को हरपालपुर क्षेत्र के चपरन कैथोकर मार्ग पर 3 कौवे मृत अवस्था में मिले थे। मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सकों ने उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजे थे, जिसकी जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। गौरतलब है कि छतरपुर शहर से बर्ड फ्लू जांच के लिए 4 सैंपल भेजे गए थे। इनमें छतरपुर से 1 कबूतर और बिजावर क्षेत्र में मृत कौवे के सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं हरपालपुर क्षेत्र के चपरन कैथोकर मार्ग पर 3 कौवे मृत अवस्था में मिले थे, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद प्रशासन ने एहतियातन मृत मिले कौओं के क्षेत्र को सैनिटाइज कर दिया है और आसपास के इलाकों में सभी चिकन और अंडे की दुकानें बंद करवा दी हैं। इसके साथ ही उस एरिया को कंटेनमेंट एरिया बना दिया गया है। इस संबंध में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि अपने जिला छतरपुर से हमने 4 सैंपल भेजे थे, यहाँ से बिजावर क्षेत्र से, छतरपुर विकास खंड से और नौगांव विकास खंड में हरपालपुर से। तो जिनमें से 2 जगह के सैंपल तो उनकी रिपोर्ट जो है निगेटिव आई है, और हरपालपुर में जो कौवा मृत पाया गया था उसका जो सैंपल भेजा गया था उसमें इसकी पुष्टि की गई है बर्ड फ्लू के वायरस की। तो उस संबंध में आज ही जो है 16/1/2021 को जो हमारे संचालक महोदय हैं भोपाल से, उन्होंने पत्र जारी किया है, इसके संबंध में जो है आगामी कार्यवाही की जाए। तो संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।